तब तक ये आजमाइश रहेगी। मैंने तो कहा 18 तक वो बाहर आ जाएंगे, आज 17th है, प्लीट वो नहीं तो उनका बेल हो जाए। सिर्फ उसका मैसेज या हमें जो आवाज़ सुनाई देती है या इल्हाम उसको कहते हैं। हम टेस्ट नहीं करते, हम सिर्फ उस हवा को ऐसे आके अपने अंदर समा के और उसके ऊपर पेश करते हैं। आवाज़ गैप से ये आई है कि 18 तारीख को हाँ सब बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह, आई होप सो। उनका सितारा चमकेगा, वो पाकिस्तान पे 2 कंसेक्यूटिव की हुकूमतें चलेंगी। कौन है जो नेकोकार था और उसका रास्ता आसान? उनके पीछे अल्लाह का हाथ, उनके पीछे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम है, उनके पीछे बड़े बड़े औलिया और अंबिया हैं। खान साहब के बारे में जानते हैं, आप ये बताएं कि खान साहब जेल में हैं, कब तक मुतवक्का है कि वो बाहर आएंगे? देखिए खान साहब जो है ना, उनका सितारा जो है गर्दिश में सिर्फ इस वजह से है कि जो सच्चे लोग होते हैं और जो ईमानदार लोग होते हैं ना, उनके लिए हमेशा ज़िंदगी तल्ख और मुश्किल कर दी जाती है। ठीक है, मैंने कंपनी में नौकरी की 5 साल, नाम नहीं लूँगी, ठीक है। मैंने वहाँ जिन लोगों को ट्रेन किया वो मैनेजर की पोजिशन में पहुँच गए, ठीक है, और मैं सुपरवाइज़र ही रही, ठीक है। मेरे ट्रेन किए हुए लोग आज बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज में डायरेक्टर्स की पोस्ट पे पहुंच गए, मैंने सुपरवाइज़र की पोस्ट पे। क्यों? ऊपर तक वही पहुंचते हैं जो बेईमान, गद्दार, दूसरे की पीठ में छुरा घोंपा, उसकी बुराइयां की, अपनी अच्छाइयां बताई, या आपने किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड की, नशा, लड़की, शराब, एनीथिंग जो उनकी ज़रूरियात, आप ऊपर चढ़े गए, टॉप पर आ गए। अब होता क्या है, अल्लाह ने तो आपसे पूछ पूछ करनी है ना। जब आप अल्लाह से ही नहीं डर रहे हो तो आप किसी बंदे से क्या डरोगे? इट्स अ वेरी मैच्योर। आपका कहने का मतलब ये है कि खान साहब सच्चे हैं इसलिए उन पे आजमाइश आई हुई है। बिल्कुल, कब तक ये आजमाइश रहेगी? मैंने तो कहा 18 तक वो बाहर आ जाएंगे, आज 17th है, मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि कल इंशाल्लाह उनका अनाउंस हो जाएगा कि अगर कम अज़ कम उनको कम्प्लीट वो नहीं तो उनका बेल हो जाएगी। अच्छा। और वो बाहर आ जाएंगे कल। और अगर वो नहीं आते हैं तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि इसके पीछे कोई और पावर है जो उनको अंदर रख रहा है ताकि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए। क्योंकि ये देखिए एक लेकिन अगर पावर हो भी तो पेशन गोई में तो वो चीज़ आती है ना कि जो होना हो। नहीं 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 नहीं, पेशन गोई भी ऐसे है जैसे कि फ्लोट होती है, ऐसा नहीं होता 100% कोई भी श्योरिटी। देखिए आपको पता है आपने कब मरना है। अच्छा आपको, अच्छा चलिए आप बताइए आज रात को आपने क्या खाना है। क्यों? तुम्हारे घर में जो पका है वही खाओगे? तुम ये भी हो सकता है रास्ते में कहीं रुक के कुछ खा लो। लिखा था तुम्हारा घर का खाना, लेकिन तुमने रास्ते में डिसाइड किया कि मैंने यार मेरा अब बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, मैंने तो आज टिक्का खाना है या KFC खा लेना है। ठीक है, सो हमें जो फ्री विल एंड चॉइस मिली है ना, जिसपे कि सारा अगर हम प्रेडिक्शंस के ऊपर इतना डिपेंडेंट होते कि मैंने बोल दिया और वो हो गया, नाउज़ुबिल्लाह, सिवाय अल्लाह की ज़ात के कोई भी ऐसा बंदा नहीं है दुनिया में जो ये कहे कि ये हो गया और वो हो गया। ये सिर्फ अल्लाह ने कुन फयाकुन अल्लाह ने अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए रखा है। ठीक है, हम सिर्फ उसका मैसेज या हमें जो आवाज़ सुनाई देती है या इल्हाम इसको कहते हैं, इल्हामियत होती है, एक इंडिकेशन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, आप उसके पास जाते हैं, वो तो कहते हैं ज़ुबान दिखाओ, पल्स देखता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है, तो आपके सारे टेस्ट करता है। हम टेस्ट नहीं करते, हम सिर्फ उस हवा को ऐसे आके अपने ऊपर ले के अपने अंदर समा के और उसके ऊपर पेश करते हैं। आवाज़ आती है गैप से, आवाज़ गैप से ये आई है कि 18 तारीख को खान साहब बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह, आई होप सो। कल नहीं तो फिर बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं कल, पेशन को ये आपकी सच साबित हो जाती है, तो उसके बाद उनका सियासत में क्या फ्यूचर होगा? पाकिस्तान तरीके से इलेक्शन में आएगी? अगर वो कल नहीं भी आते और कुछ अरसे बाद भी आते हैं, उनका सितारा चमकेगा, वो पाकिस्तान पे 2 कंसेक्यूटिव उनकी हुकूमतें चलेंगी, उनके पीछे अल्लाह का हाथ है, उनके पीछे बड़े बड़े औलिया और अंबिया हैं। ठीक है, उनको बड़ी स्ट्रेंथ अल्लाह ने दी हुई है, थोड़ी सी उनके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़ुबान पे कायम हूँ, भले इस कैद की कोठरी में मुझे कितने अरसे रखो। तुम बताओ, अच्छा चलो एक नबी का हमारे बता दो, जिनके हमें आम तौर से जिनके किस्से हमें नॉर्मल पता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ाए गए, नबी थे ना। तो इमरान खान तो कोई नबी और पैगंबर भी नहीं है, एक ईमानदार आदमी है, उसकी आजमाइश नहीं होगी। हज़रत मूसा को देख लें, महल में बड़े हुए, शहजादों के साथ बड़े हुए, और फिर रेगिस्तानों की खाते रहे, ठोकरे खाते रहे, खाई ना। कौन है जो नेकोकार था और उसका रास्ता आसान था? एक बंदा बता दो जो सीधा उसने कहा ओ या हियर आई गो फ्लाई, मैं जी डोनाल्ड ट्रंप हूँ, हेलो मैंने दुनिया कॉन्कर कर। ऐसा नहीं होता है, हमेशा अच्छाई के रास्ते में रुकावटें और मुश्किलात आती हैं।
मुश्किलात हैं, लेकिन आपका कहना ये है कि खास साहब दो बार हुकूमत करेंगे लगातार इंशाल्लाह कंसेक्यूटिव 10 साल और फिर ही ये मुल्क सही डगर पर आएगा। इलेक्शन में आएंगे इंशाल्लाह? इलेक्शन हो रहे हैं इंशाल्लाह जी। लाला रुख साहिब हमारे साथ मौजूद थी, हमने जानने की कोशिश की नवाज शरीफ के हवाले से भी, खान साहब के हवाले से भी, और जो भी सियासी मामला थे उन तमाम जो पहलू थे उनको हमने जानने की कोशिश की लाला रुख साहिबा से।